हनुमान जन्मोत्सव हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस साल यह 23 अप्रैल को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त इस शुभ दिन पूरे मन से वीर हनुमान जी की पूजा करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन की क्या क्या विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष आचार्य श्री पंडित रामचंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार लंबे अंतराल के बाद हनुमान जयंती मंगलवार को आ रही है। सामान्यतः हनुमान जन्मोत्सव वर्ष में दो बार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा व कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व कुछ विशिष्ट योगों के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 मंगलवार को चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कन्या व तुला राशि का चंद्रमा व उच्च राशि मेष का सूर्य व बृहस्पति के मुहूर्त में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। पंडित रामचंद्र शर्मा ने बताया कि देश में भारतीय संस्कृति का जो सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है उसके अंदर हनुमान जी व गणेश जी का प्रभाव निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। देश भर में मंगलवार व शनिवार को हनुमान जी के मंदिरों में युवकों का तांता लगा रहता है, वही बुधवार को गणेश जी के मंदिरों में भी युवकों की भीड़ लगी रहती है। मंगलवार व शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति की सारी परेशानियां व कष्ट दूर हो जाती है और साथ ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हनुमान जयंती का पर्व सामान्यतः प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मनाया जाएगा। प्रातः हनुमान जी का पंचामृत से स्नान कराया जाता है व सिंदूर शुद्ध घी और सुगंधित तेलों से श्रृंगार किया जाता है। साथ ही हनुमान जी को गुड़ चना चिरौंजी व श्रीफल का भोग लगाया जाता है। बैठे आचार्य श्री पंडित रामचंद्र शर्मा। वर्ष में दो बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दूसरा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भी हनुमत जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व कुछ विशिष्ट योगों के साथ मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार चित्रा नक्षत्र बवकरण कन्या और तुला राशि का चंद्रमा, वहीं उच्च राशि मेष का सूर्य और उच्च राशि मेष के बृहस्पति में हनुमत जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। हनुमान जी महाराज का युवकों पर बड़ा प्रभाव है। देश के अंदर भारतीय संस्कृति का जो सम्मिश्रण देखने को मिल रहा है उसके पीछे हनुमान जी और गणेश जी का प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। देश भर के मंदिरों में जहाँ मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में युवकों का तांता लगा रहता है, वहीं बुधवार को गणेश जी के मंदिरों में भी युवकों का तांता लगा रहता है। निश्चित रूप से धर्म की बयार बह रही है। हनुमान जी के प्रति लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसका कारण है कलयुग। कलयुग में हनुमान जी महाराज का वैशिष्ट्य हमें देखने को मिलता है। एकमात्र हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप मंगलवार और शनिवार को दीप दान के साथ हनुमान जी महाराज को सुना दें तो आपकी सभी मनोकामनाएं धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों के साथ जो है सिद्ध हो जाती है। निश्चित रूप से मंगलवार को हनुमान जयंती का पर्व इस वर्ष बहुत लंबे अंतराल के बाद पड़ा है। वहीं उच्च राशि मेष का सूर्य है, उच्च राशि
है, मेष का जो है बृहस्पति है, इस विशिष्ट संयोग के साथ पूरे देश में हनुमान मंदिरों में घंटे, घड़ियाल और शंखनाद के साथ यह पर्व मनाया जाएगा। हनुमान जयंती का पर्व सामान्यतः ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः जो है ब्रह्म मुहूर्त में मनता है। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी महाराज को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और वहीं जो है इनका श्रृंगार, कई मंदिरों में हनुमान जी का श्रृंगार जो है सिंदूर, शुद्ध घी और अन्य जो है सुगंधित तेलों के साथ भी किया जाता है। और हनुमान जी को जो है विभिन्न प्रकार के जो द्रव्य जो है पूजा द्रव्य जो है चढ़ाए जाते हैं। हनुमान जी को एक श्रीफल और वहीं जो है गुड़, चना और चिरौंजी, इसका भोग लगाने का विशेष महत्व है। हनुमान जी महाराज को यदि आप प्रसन्न करना चाहें तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ जो है अवश्य करें। हनुमान जी महाराज जो है बल बुद्धि और विद्या को देने वाले हैं। बल बुद्धि विद्या देहूँ मोई हरऊँ कलेश विकार। यदि बल बुद्धि और विद्या को देने वाले देवताओं को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। हनुमान चालीसा के पाठ से आपको सभी प्रकार की सिद्धियां जो है प्राप्त होगी। हनुमान जी शुद्धता और पवित्रता के देवता हैं। हनुमान जी की यदि आप पूजा करना चाहें तो शुद्धता, शुद्ध और पवित्र स्थिति में हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी सभी को देने वाले हैं। निश्चित रूप से इस वर्ष यह पर्व जो है विशिष्ट योग और संयोग के साथ उपस्थित हो रहा है। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद। हनुमान जी को बल बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस हनुमान जयंती पर शुद्धता और पवित्रता के साथ पूजा कर हनुमान चालीसा का पाठ करें। दैनिक राजीव टाइम्स की ओर से आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं।